जो भी चाहिए Z5 ऐप पर पाएं। बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। सर आपने बुलाया? अरे सिल्क कम कम, आपको कुछ काम था? क्या कर रहा तुम? छोड़ो मुझे। ज्यादा रिक्वेस्ट करने की आदत नहीं है मुझे, समझी? पैसा अच्छे अच्छों का ईमान बदल देता है, और अगर उसने ये पैसे रख लिए तो वो हमारी इस दुनिया की गुलाम बनकर रह जाएगी। मुझे अपनी इस दोस्त से जरूर मिलना है। तुम मेरे लिए ना दोस्त से भी कहीं ज्यादा हो, क्योंकि जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया ना, तब तुमने मेरा साथ दिया। सो प्रॉमिस करो हम मिलेंगे ना। ठीक है कर, 10:55। हेलो तुम? नक्श को मैं कभी सच्चाई का पता नहीं चलने दूंगी। हे भगवान जी मेरी मदद करना, मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों कभी किसी के भी साथ अन्याय हो, ना रिमझिम के साथ और ना ही नक्श के साथ। पता चला है कि किसी ने जानबूझकर वर्कर्स को उकसाया था स्ट्राइक करने के लिए, और तो और पैसे भी खिलाए थे ताकि ये स्ट्राइक लंबे समय तक चलते रहे। कौन है वो जो मेरी फिल्म बंद करवाना चाहता है? मैं तो फोन देखते ही समझ गई थी कि तुमने मेरी आवाज सुनने के लिए फोन किया है। नताशा तुम्हें यकीन नहीं होगा मुझे अभी अभी क्या पता चला है। क्या? वर्कर्स को पैसे देकर किसने स्ट्राइक करवाई थी, किसने उन्हें उकसाया था? किसने? पाखी ने। डबल क्रॉस किया उसने मुझे, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बाकी कोई गलती नहीं है, खाने में जहर नताशा ने मिलाया था, बा ने नहीं। क्या लग रहा था तुम्हें स्ट्राइक करके मेरी फिल्म बंद करवा दोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? याद रखना जब तक फिल्म पूरी नहीं होती तुम सिल्क ही रहोगी, वरना तुम्हारी बाप जेल जाएगी और तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। प्लीज मत जाओ नक्श, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। सच्चाई की उम्मीद रखी जा सकती है तुमसे पाखी? हाँ नक्श, I'm really sorry. मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, और मुझ पे भरोसा करना ना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आज मैंने तुमसे सिर्फ सच बोला है नक्श, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और इस बात में ना जरा सा भी झूठ नहीं है। फिर एक झूठ, फिर एक नाटक। नक्श इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। लेकिन हाँ एक सच और है कि मेरी जिंदगी में ना बहुत बहुत सारी मजबूरियां हैं। मेरे बाबा नहीं है इस दुनिया में, और मेरे काका उन्होंने हमें धोखा दे के, हमसे झूठ बोल के हमसे हमारा ही घर छीन लिया, हमें सड़क पे लाके खड़ा कर दिया था, हमारे पास रहने के लिए छत नहीं थी, और जितने भी कमाई हो रही थी उससे मैं इससे ज्यादा किराया नहीं भर सकती थी, इसीलिए मैंने उस घर में टिके रहने के लिए झूठ बोला। और तुम्हें याद है तुमने तो खुद हमारी मदद की है, उस दिन जब मेरी आई जेल में थी तब तुम आए थे ना उन्हें बचाने के लिए, और कुछ दिन पहले जब बा हमें घर से दोबारा निकाल रही थी तब बा ने मेरे सामने एक शर्त रखी कि अगर मैं तुम्हें केटरिंग के बिजनेस में वापस लेकर आऊंगी तो वो मुझे इस घर से कभी नहीं निकालेंगी, और मेरे पास नक्श तब कोई चारा नहीं था, इसीलिए मुझे हाँ कहना पड़ा, ये बात जानते हुए भी कि तुम्हारा सपना तो फोटोग्राफर बनना है। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें उस बिजनेस में लाने के लिए
अपनी आवाज का इस्तेमाल किया, लेकिन जब धीरे धीरे तुम अपने दिल की बातें मेरी आवाज से करने लगे तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे तुमसे प्यार कब हो गया। और नक्ष, मैं ना नक्ष, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें रिमझिम से बात करके वैसा फील इसीलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारा रिश्ता मेरी आवाज से जुड़ा है। नक्ष, सच कह रही हो तुम, मेरा रिश्ता ना उस आवाज से जुड़ा है क्योंकि उस आवाज को ना मैं प्यार करता हूँ। बाकी उस आवाज ने ना मुझे राह दिखाई, वो आवाज मुझे समझती है बाकी, और मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि उस आवाज वाली लड़की से मैं प्यार करता हूँ। नक्ष, वो फोन वाली लड़की मैं ही तो हूँ जो तुमसे फोन पे बात करके तुम्हारे सपनों को पूरा करने की सलाह दे रही थी, और दूसरी तरफ पास से किया हुआ वादा भी निभा रही थी। मेरा यकीन करो नक्ष, मैं ना तुम्हें सब सच सच बताने आई रही थी। उस दिन कैफे में आ रही थी मैं तुम्हें सब बताने, लेकिन तभी मौसमी भाभी ने और रिमझिम ने मुझे अपने इस झूठे जाल में फंसा के ना सब कुछ बिगाड़ दिया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। अब तू भी जान गया है कि ये लड़की जो भी कुछ कर रही थी वो क्यों कर रही थी। आज जन्माष्टमी के दिन मैं वचन लेता हूँ कि अपने फोटोग्राफी के सपने को हमेशा हमेशा के लिए चला के राख कर दूंगा और सिर्फ फैमिली बिजनेस की तरफ ध्यान दूंगा, इस शर्त पर कि जानकी आंटी और बाकी इस घर से नहीं निकाले जाएंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। सासूमा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ में आ गया है कि आप सही थी और अंतरा जी गलत थी। आई होप मेरा ये मैसेज अंतरा जी देख लें। एजी और होंडा एक ही है, दो अलग लोग नहीं। मतलब विक्रम बात तो ठीक कह रहा है भाई, तेरे को ना प्राची की माँ से मिल लेना चाहिए, उसे भी तो पता चले कि तू कैसा है, कैसा दिखता है और असल जिंदगी में क्या है। ठीक कह रही, तो उसे मिलना ही पड़ेगा। फाइनली ये सिचुएशन वापस मेरे हाथ में आने लगी है। फैंटास्टिक, ये तो पृथ्वी की आवाज है। मैं मेरे डैड की हालत की अपने छोड़ दूंगा तुझे। मेरी बारी है, मार दीजिए मुझे। I hate you, Veda. मार दीजिए मुझे। जा घर से बाहर। मार दीजिए मुझे। Hate you, Veda. Hate you, Veda. मार दीजिए मुझे। जा घर से बाहर। क्या बचा पाएगा शान पुचकी और बच्चे को, जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां कल शाम 7 बजे। यहाँ इडली को कबाब बोला जाता है क्या? यहाँ पे बेहतरीन खातिरदारी इडली खिलाकर करते हैं। अरे पहले बता दिया होता, इंतजाम नहीं है। तुम्हारा सच जानना तो बहुत आसान था कल्याणी, और मुझे तो पहले ही से ही शक था।
ये सब बेहोश होने का नाटक तुमने मेरी और सार्थक की शादी को रोकने के लिए किया था, है ना? हाँ, ये नाटक मैंने तुम्हारी और काका की शादी रोकने के लिए ही किया था।